वेलकम टू शेल्टर एसवीस प्रतापगढ़ स्टाइल। तो आज हम बनाने वाले हैं व्रत वाले आलू सावन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कढ़ाई रख लिया है और उसमें डाल देंगे एक बड़े चम्मच देसी घी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा देसी घी एकदम अच्छे से पिघल चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा लाल होने देंगे, फिर उसके बाद हम डाल देंगे साफ जीरा। गाइस, हमने जीरा डाल दिया है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे मिर्च। हमने यहाँ पर हरी मिर्च का यूज़ किया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसे थोड़ी देर ढक कर अच्छे से लाल करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे उबले आलू। उबले आलू आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसे कुछ देर चला कर पकाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी से ही यहाँ पर खुशबू आने स्टार्ट हो चुकी है। गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा आलू जो है वो अब नीचे से पकड़ने लग चुका है। इसे हम चलाते रहेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हिसाब से नमक, आप अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि अगर व्रत वाले आलू में नमक ज़्यादा हो जाएंगे तो भी दिक्कत है। और नमक यहाँ पर हमने सेंधा नमक का यूज़ किया है। तो गाइस, अब हम इसे थोड़ी देर ढक कर पकाएंगे। फिर उसके बाद इसको अच्छे से चलाएंगे, इसको अच्छे से फोड़ डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे जो व्रत वाले आलू हैं वो तैयार हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।